सो गाइस, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऑन करना है। ऑन करने के बाद प्लस वाला आइकन पे जाना है, वहाँ पे रील्स वाला ऑप्शन पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद सिंपली सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है फैक्ट, उस पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद सिंपली यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट होंगे, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा वेट करना है। फिर सर्च वाला ऑप्शन पर जाना है और जो होम स्क्रीन पर आपको जो नाम शो हो रहा होगा उसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद सिंपली यहाँ पे दो तीन ऑप्शन होंगे, तो आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद सिंपली आप टैप करोगे तो वो इफ़ेक्ट है जो थोड़ा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लोडिंग होने के बाद सिंपली इफ़ेक्ट को करना कुछ नहीं है, साइड में आपको एक ऑप्शन देखेगा सेव का, उसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सिंपली आपको जिस सॉन्ग पे आपको वीडियो बनानी है वो सॉन्ग आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको प्लस आइकन पे प्रेस करना है। प्लस आइकन पे प्रेस करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको जो भी फ़ोटोज़ या आप फ़ोटोज़ होगी आपकी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली से उसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे जाके जो आपने जो इफेक्ट सेव किया था उस इफेक्ट पे सिंपली प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो इफेक्ट आपकी फ़ोटो में लग जाएगा। उसके बाद सिंपली अपनी वीडियो या रील्स को सीधे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा शेयर एंड सेव डॉ, तो आप रील शेयर भी कर सकते हो और आप चाहो तो अपने ड्राफ्ट में सेव भी कर सकते हो। तो और सब वीडियो के लिए लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।